नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCSJ जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर का सलूशन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर विभिन्न विधि परीक्षाओं जैसे PCSJ, APO, ADPO, लॉ ऑफिसर, AIB इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी अधिकारी को दो प्रतियों में वाद पत्र देकर संस्थित किया जाएगा, यह उपबंधित है। तो यह उपबंध कहाँ दिया गया है, तो इसका देखें जो ऑप्शन नंबर डी है, तो हमने यहाँ पे जो आंसर सही आंसर है उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो इसको जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आदेश 4 नियम 1 में, तो ये सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन डिक्री नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दूसरे का। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोई भी समय जब मांगे जाए, यानी जिस समय आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उस समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न प्रावधानों में से किसमें वाद पत्र को वाद हेतुक न होने के कारण नामंजूर किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आदेश 7 नियम 11 का में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न प्रावधानों में से किसमें निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आदेश 38 नियम 5-13 में, तो इसका पांचवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गंभीर बीमारी पर, तो छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखेंगे आपकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सातवां, भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री कितने समय तक निष्पादित नहीं की जाएगी, तो इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 माह, तो सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वाद पत्र की प्रतिलिपि को, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है, तो आठवें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्रगति हेतु वाद, तो 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अभिवचन को संशोधित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विचारण न्यायालय के समक्ष। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का जिसमें वह स्वयं हितबद्ध है विचारण नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें धारा 479 में चीज़ बताई गई है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन धारा अपराध शब्द को परिभाषित करती है, तो जो धारा 2 ढा है वो करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 ढा। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत
सौदा अविवाह के लिए निम्न में से कौन आवेदन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अभियुक्त कर सकता है। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए प्रकरण दायर करने हेतु निर्धारित परिसीमा काल क्या है? तो इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निम्न किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के मामले का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन धारा कहती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो कोई अपील का ना होना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारा 372। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत वे अनियमितताएं जो प्रक्रिया को दूषित नहीं करती हों बताई गई हैं? तो धारा 460 में बताई गई हैं। तो 17वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है आपका, हाल ही में निम्न प्रकरणों में से किस एक में सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब के हमले में घायल व्यक्ति के चिकित्सीय इलाज के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लक्ष्मी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, दंड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की निम्न सूचियों में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में वे अनियमितताएं जो विचारण को दूषित करती हैं बताई गई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 461 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों ए और बी से, मतलब संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार का अपराध हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में यह कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आज्ञापक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धारा 57 में, तो सेक्शन 57 में ये चीज़ बताई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धारा 127 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत निम्न किस प्रकार के अपराधों के लिए है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैर जमानती अपराधों के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, करा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 गा में किया गया है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तो कह रहा है कि का खा से संविदा करता है कि यदि खा का घर जल जाए तो वह खा को 10,000 रुपये देगा, यह संविदा है? तो ये संविदा नहीं, कैसी संविदा है, ये सम्मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 26 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, तो वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शून्य है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र खा को रुपए 1000 देने का वचन देता है। खा के प्रति अपने वचन को का लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है, यह एक संविदा है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्तावना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, किसने कहा था यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावना किसी निश्चित व्यक्ति को की जाए, परंतु कोई संविदा तब तक उत्पन्न नहीं होगी जब तक कोई निश्चित व्यक्ति उसका प्रतिग्रहण ना कर ले। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एंसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, का करार करता है कि यदि बा का की पुत्री सा से विवाह कर ले तो वह बा को 1000 रुपये देगा। करार के समय सा मर चुकी थी, करार है तो करार शून्य हो जाए। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अवयस्क की संविदा। तो दोस्तों अवयस्क की संविदा शून्य होती है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, और उसमें कहा गया है कि सत्यव्रत घोष बनाम मांगीराम बोंगूर का वाद 1954 को निम्न किस पर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विफलीकरण पर।